आज काकादेव के अंबेडकरपुरम में सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों को लेकर जन समूह इकट्ठा कर सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही और देश में फैली बेरोजगारी और किसान विरोधी बिल पर भी चर्चा की। इस कार्यक्रम में सामूहिक चर्चा कर देश और प्रदेश से बीजेपी सरकार को अगले आने वाले चुनाव में करारी शिकस्त देने की बात भी कही। वहीं इस कार्यक्रम में इकट्ठे लोगों ने पूर्व सपा विधायक सतीश निगम का आभार व्यक्त करते हुए फूलमाला से स्वागत किया। इस रंगारंग कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष इकट्ठे हुए और सभी ने कार्यक्रम में अपनी सहभागिता भी दिखाई। वहीं महिलाओं ने इस सामूहिक चर्चा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही सरकार बनाने में जो हुई सबसे बड़ी भूल, जो चुना कमल का फूल जैसे नारे भी लगाए। कानपुर से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वादा किया था भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, जंगल राज तो बढ़ता गया। वो जोगी बाबा किया है झूठा वादा, घुमाया खाली बात में। कुर्सी आएगी अखिलेश जी के हाथ में, कुर्सी आएगी अखिलेश जी के हाथ में। ये क्या कार्यक्रम है, किस तरह से? आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जनता के बीच ये बताने के लिए कि आज जो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी है वो जनता के खिलाफ काम कर रही है। जन भावनाएं वो बुरी तरह आहत हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी का कारण इस भाजपा की नीतियां हैं। किसान बर्बाद हो गया है पूरी तरह से और बाकी जो कुछ बचा है उसके पास खेत खलिहान वो भी दो बड़े व्यापारियों के हाथ के जेब में खेती खलिहानी डालने की प्लानिंग चल रही। इसलिए लाखों किसान आज हमारी दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा है। नौजवान सब बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। कुछ तो जब से नोटबंदी हुई उसके बाद से बेरोजगारी बढ़ी, ये कोरोना आया उससे बेरोजगारी बढ़ी। नौजवान हमारा पढ़ लिख करके हाथ में डिग्री लेके सड़क पे घूम रहा, उसके पास रोजगार नहीं है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और परेशान होता जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई डीजल और पेट्रोल की, जब डीजल का दाम बढ़ा, अभी परसों अखबार में आया था कि 10% डीजल के दाम बढ़ने से भाड़ा बढ़ गया। जब भाड़ा बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, खेती खलियानी की लागत और बढ़ जाएगी, क्योंकि डीजल का ही इस्तेमाल खेती और खलियानी में होता है। चाहे ट्रैक्टर चले, चाहे जुताई हो, बुआई हो, तो अब वही होता है। तो ऐसे में जब लागत बढ़ रही है तो किसान को उसका मूल्य पहले नहीं मिल रहा था, उसकी स्थिति और ख़राब होगी। और जब किसान को उसका मूल्य नहीं मिलेगा और चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो जो गरीब आदमी है उसे भी महंगा ही खरीदना पड़ेगा। तो इस सरकार ने का कहीं भी नियंत्रण नहीं है। सरकार केवल दो लोगों की जेब में पूरे देश को रख देना चाहती है, एक अडानी साहब एक अम्बानी साहब, उनकी जेब में पूरे देश को रख देना चाहती। और इस देश को कोई सरकार नहीं चला रही, इस देश को केवल दो लोग चला रहे, एक केंद्र में बैठे सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और दूसरे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब। तो ये जनता को हम जगाने आए हम लोग और गरीबों को जगाने आए कि जागो, ये जन विरोधी सरकारें हैं दोनों, इन जन विरोधी सरकारों को उखाड़ के फेंकना है और ऐसी सरकार लानी है जो समाजवाद की बात करे, जो गरीब आदमी की बात करे, नौजवान की बात करे, किसान की बात करे, वो सरकार लानी है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं जन जागरण के लिए, लोगों को जगाने के लिए और ये बताने के लिए कि आपका हितैषी कौन है, इसे समझिए। नारों में मत जाइए, नारे से चुनाव तो बेशक वो जीत गए लेकिन काम उन्होंने अपने नारों के खुद विपरीत किया। उन्होंने कहा था जब जीते हमारी सरकार बनेगी तो 15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में आ जाएगा। आज गरीब का तो अकाउंट ही बंद हो गया, जो उसके अपने पैसे जमा थे वो भी खाली हो गए, क्योंकि इस कोरोना काल में रोजगार जब चला गया तो जो कुछ उसका जमा था वो भी खाली हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस जन विरोधी सरकार को जनता ही उखाड़ के फेंकेगी। आज उसी जन जागरण के लिए हम लोग जनता के बीच आए।